Subbarao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5000 and received increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7000? क्वेश्चन में कहा गया है कि सुब्बाराव ने जो है 1995 ईयर जो है उसमें काम करना शुरू किया और उसको एक साल में मिलते थे 5000 रुपये. कंपनी ने उससे कहा कि तुम्हें हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट भी मिल जाएगा, तो बताओ किस ईयर में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी, हमें ये बताना है. तो सबसे पहले उसके पहले साल की इनकम थी 5000 रुपये, तो ये हमारा ए हो जाएगा 5000. हर साल उसका इंक्रीमेंट था 200 रुपये, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 200 रुपीज. किस साल में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी, ये हमारी लास्ट टर्म यानी कि एन है 7000. हमसे पूछा गया कितने साल में, तो एन हमें फाइंड करना होगा कि एन इक्वल टू क्या है. वी नो दैट nth टर्म ऑफ एन ए पी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू होता है हमारा एन. ए हमारा है 5000, ए हमारा 5000 प्लस एन हमें फाइंड करना है एन माइनस वन और डी हमारा है 200 रुपीज, और टोटली इसकी जो सैलरी हो जाती है लास्ट ईयर में वो 7000 हो जाए, ये हमारा ए एन हो जाएगा. तो एन माइनस वन इंटू 200 इज इक्वल टू 7000 माइनस 5000. सो 7 माइनस 5 इज इक्वल टू हमारा 2000 हो जाएगा, और n माइनस वन, और ये जो 200 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चले जाएंगे, इससे हम कैंसिल करेंगे हमारा 10 आ जाएगा. तो n माइनस वन इज इक्वल टू 10 और n की वैल्यू हो जाएगी 10 + 1 इज इक्वल टू 11. तो 11 ईयर के बाद आफ्टर 11 ईयर जो है उसकी सैलरी हो जाएगी 7000. अब पूछा किस ईयर में, इन विच ईयर, किस ईयर में, तो 1995 में उसने काम करना शुरू किया था और 11 साल के बाद उसकी सैलरी हुई इतनी, तो 5169110 9110 और 112. सो 2006 में उसकी सैलरी जो है 7000 रुपीज हो जाएगी, यही आपका आंसर होगा.